जी सर, देखा जा रहा है कि मौजूदा सरकार जो है समय लोगों को मुफ्त राशन जो 5-5 किलो का जो पिछले दिनों पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी यहाँ आए थे तो घोषणा की गई थी, तो उसको लेकर क्या कहेंगे उस राशन जो राशन मुफ्त में दिया जा रहा है? कालीबड़ी से लेकर बाजार तक चले जाइए, चाहे सटे इलाके हैं वहाँ चले जाइए, जगह जगह होर्डिंग्स लगी हुई हैं भाजपा की तरफ से कि 5-5 किलो राशन फ्री दिया जा रहा है। तो आपके माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितना राशन कब तक देंगे? क्या फ्री राशन देने से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, देश की जो बेरोजगारी है, वो क्या दूर हो जाएगी? मैं समझता था जब तक लॉकडाउन फर्स्ट था तब तक सारे व्यापारी वर्ग बंद था, सारा लेबर तबका घर पे बैठा हुआ था, तब तक गवर्नमेंट ने मदद जो की वो सराहनीय कदम था, स्वागत था उसका। मगर अब मैं समझता हूँ अगर आप 100% फैमिलीज को 5-5 किलो राशन देने के बजाय, मैं समझता हूँ अगर 30% उन लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाए जाएं, रोजगार मुहैया करवाए जाएं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, तो मैं समझता हूँ देश का जो आर्थिक मंदी है, देश की जो अर्थव्यवस्था है और देश में जो डे बाय डे बेरोजगारी बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म तो सारी तो नहीं कर पाएंगे मगर कुछ हद तक लोगों को इसका इजाफा होगा, लोगों को इसका फायदा होगा। आप देख रहे हो कि चंद दिनों से, जब मैं कहूँ चंद महीनों से, जो आपका सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, वो 900 पार का शतक लगा चुका है, 900 पार कर चुका है, मगर उसके साथ साथ आप देखते हो जो एडविल ऑयल है हमारा, घर जो हम जिस तेल से तड़का लगाते हैं, वो तेल जो है वो 200 रुपया लीटर हमें मिल रहा है। उसके बाद पेट्रोल और डीजल, उसके दाम आसमान छू रहे हैं। तो क्या 5 किलो राशन देने से वो हम सिलेंडर भरवा पाएंगे, अपना सिलेंडर उसके साथ साथ एडविल ऑयल ले पाएंगे? ये सरकार को इस पे मंथन करना चाहिए कि देश में जो आर्थिक मंदी है और खासकर बेरोजगारी है, जिस बेस पे ये सरकार सत्ता में आई थी, केंद्र में आई थी, इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे युवाओं को लेकर कि युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, मगर इस लॉकडाउन की वजह से, इस कोविड की महामारी से और जीएसटी की महामारी, जीएसटी की मार से लोगों की रोजगार गए हैं, उसके 2 करोड़ के बजाय मैं समझता हूँ कि कई हज़ार लोगों के रोजगार यहाँ पे छीने गए हैं। तो क्या इस 5-5 किलो राशन से देश में जो बेरोजगारी डे बाय डे चरम सीमा पे है वो ख़त्म हो जाए? तो मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि आप 100% राशन देने के बजाय लोगों पे फोकस करिए, उनके रोजगार पे फोकस करिए, युवाओं के रोजगार पे फोकस करिए। जैसे कि सुनने में आया है कि ये राशन नवंबर तक मिलेगा, उसके बाद क्या करेंगे लोग? नवंबर के बाद कहाँ से लाएंगे राशन? मैं किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ कि आप गरीब तबके को राशन दो, मगर मैं समझता हूँ उसके साथ साथ लोगों की जो बेरोजगारी है उसको दूर करना चाहिए, ताकि वो अपने पैरों पे जो एक सपना दिखा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी कि आत्मनिर्भर, कैसे बनेंगे आत्मनिर्भर वो? अगर उनको रोजगार प्रोवाइड किए जाएँ तो वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं, उनको ऐसी स्किल दिए जाएँ। जय हिंद, जय भारत। सर, देखा जा रहा है कि सरकार की तरफ से में इस समय लोगों को 5-5 किलो जो पर व्यक्ति राशन दिया जा रहा है, और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अमरेश जसरोटिया, पीपल यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपने सवाल पूछा है कि जो 5-5 किलो राशन दिया जा रहा है लोगों को, देखिए जब कोरोना पीक पे था
जब कोरोना की महामारी एक विशाल रूप ले चुकी थी, उस दौर के अंदर लोगों को जिस प्रकार से परेशानी हुई है, तब राशन उस तरीके से नहीं पहुंच पाया था आम व्यक्तियों तक। आज की डेट में इनके मंत्री यहां विजिट करते हैं और एक राशन की थैली पकड़ के जिस पे नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा हो, वो थैलियां बांट के एक सिर्फ जो डोंग रच रहे हैं, ऐसे में लोगों से कहना चाहूँगा कि जो एक्चुअल में आपको मदद करनी चाहिए थी जब ज़रूरत थी लोगों को, कि जब ज़रूरत थी खाने की, जब किल्लत पड़ी थी लोगों के घरों में, लोग दर बदर हो रहे थे, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो रखी थी उस दौर में, जब लोगों की जेब के अंदर पैसा नहीं था, जब दुकानें बंद थी, उस दौर के अंदर लोगों को मुहैया कराया जाना चाहिए था। लेकिन हमने देखा है बड़ी बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी के लोग अब जाके वो थैलियाँ बांट रहे हैं 5-5 किलो वाली, और देखा है थैलियों में भी राशन जिस प्रकार से जो क्वालिटी दी जा रही है वो एकदम वर्स्ट क्वालिटी है। और जहाँ आज के दौर में रोज़गार की ज़रूरत है लोगों को, आज के दौर में आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की ज़रूरत है लोगों को, आप इस तरीके से राशन बांट के क्या प्रदर्शन करना चाहते हैं? अब इस तरीके से जो एक्चुअली ऑलरेडी जो डिपो में राशन आता था वो भी अब कई जगहों पर प्रॉपर नहीं आ रहा है। हर जगह से लोगों की शिकायत मिल रही है कि जो महीने महीने राशन आता था वो उसमें इररेगुलरिटी है अभी। तो इस तरीके से आना और फोटो खिंचाना और चले जाना और बता देना, इतने इतने बड़े होर्डिंग लगाए हैं, मुझे लगता है जितने लखनपुर से लेकर यहाँ श्रीनगर तक इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो होर्डिंग लगाए हैं, जो 5-5 किलो का राशन बांटने के, तो मैं कहता हूँ उस होर्डिंग का जो खर्च है वो कहीं सही मायनों में कहीं और इस्तेमाल किया जाता तो जनता के वेलफेयर के लिए एक अच्छा होता संदेश जाता। इतना राशन नहीं बांटाओगे जितने पैसे खर्च कर दिए इन्होंने होर्डिंग को। भारतीय जनता पार्टी की पुरानी नीति रही है कि 10 रुपये का काम खर्च करते हैं और 100 रुपये उस पर मार्केटिंग के लिए खर्च कर देते हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के लिए अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है भारत की, और इस वक्त हमने देखा हर एक अपने खजाना भरने के लिए हर चीज़ को ये बेच रहे हैं, और इस तरीके से आम व्यक्ति परेशान है आज की डेट में कहीं भी। और मिडिल क्लास और जो अपना लोअर क्लास है उस पे जो आर्थिक बोझ पड़ा है बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, शब्दों में उस चीज़ को बयान नहीं किया जा सकता। महंगाई, पेट्रोल, डीजल, बेरोजगारी ये चरम सीमा पर है। आम व्यक्ति के आम मुद्दे सवालों में कहीं गायब हैं। सर देखा जा रहा है कि पिछले दिनों डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कठुआ आए थे तो उन्होंने मुफ्त राशन की योजना जो थी वो शुरू की थी, लोगों को प्रति व्यक्ति जो है वो 5 किलो राशन दिया जाएगा, उस योजना को लेकर आप क्या कहते हैं? देखो 2 साल से जो कोविड का दौर चल रहा है, इस कोविड के दौर में आम आदमी परेशान है, लोगों का काम जो धंधा है वो बंद हो चुका है पूरी तरह से, और जो वादा सरकार की तरफ से किया गया था मोदी सरकार की तरफ से कि 2014 में सरकार महंगाई को लेकर, काले धन को लेकर, और सबसे बड़ा जो मुद्दा था बेरोजगारी का, उसको लेकर सत्ता में आई थी। आज कहीं पे भी बेरोजगारी पर बात नहीं होती है, और आज अगर आप नवंबर तक लोगों को 5 किलो राशन दे देंगे 1 किलो चना दे देंगे तो आगे क्या करेंगे? वो मोदी जी कहते थे कि हम लोगों के लिए रोजगार पैदा करेंगे, आत्मनिर्भर पैदा करेंगे, ताकि किसी भी को भी सरकार के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। तो मैं ये समझता हूं कि 7 सालों में बेरोजगारी पर कोई भी बात नहीं, पाकिस्तान पे बात हुई, हिंदू मुस्लिम पे बात हुई, लेकिन जो देश के अहम मुद्दे थे उस पर बात नहीं हुई। अगर आप 2014 से लेकर 2021 तक आप महंगाई के आंकड़े निकालें, पेट्रोल डीजल की आप रेट्स देखें, आप जो रोजमर्रा की चीजें हैं जिसमें जिसको इंसान रोज यूज करता है, तो कहने का मतलब यह है कि उसमें लगातार समझो डबल बढ़ोतरी है। जितनी महंगाई 70 सालों में नहीं हुई उतनी महंगाई बीजेपी ने 7 सालों में की, और जो जो राशन जो लोगों को बांट रहे हैं इतना राशन लोगों को नहीं दे रहे हैं जितनी एडवर्टाइजमेंट पूरे देश में की जा रही है। तो मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि सरकार लोगों के लिए रोजगार पैदा करे। आज देश का पढ़ा लिखा नौजवान, आज देश का जो मजदूर वर्ग है उसको काम चाहिए, और खासकर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, आज पूरे देश में कहीं पे भी कोरोना टेस्टिंग का इतना खौफ नहीं है, लेकिन जो मात्र एक ड्रामा आज लखनपुर में जो रचा जा रहा है, वहां पर कोरोना जो टेस्ट किए जा रहे हैं उसको कोरोना को कम नहीं किया जा रहा, वहां पर कोरोना को बढ़ाया जा रहा है लगातार। वहां पर आप देखें तो 1000-2000 बंदा वहां पर होता है,
तो कहीं ना कहीं इस मोदी सरकार ने और खासकर जम्मू कश्मीर में इस ड्यूटी में लोगों को और कोरोना की आड़ में लोगों को दबाया जा रहा है। हम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि जो वादा सरकार सत्ता में आई थी करके 2014 में, आप लोगों ने सवाल करना है। हमें रोजगार चाहिए, हमें मुफ्त का राशन नहीं चाहिए, और जो भी राशन कोई सरकार अपने जेब से नहीं दे रही है, जो भी राशन टैक्स पेयर का पैसा है, अगर सरकार लोगों को इस काबिल बनाती है कि लोगों को रोजगार मिले, सरकार से हमें ये राशन नहीं लेना पड़ेगा, हम सरकार की मदद करेंगे। लेकिन सरकार का फर्ज बनता है कि सरकार लोगों की मदद करे और 5 किलो राशन से 1 किलो चना से जो घर नहीं चलता है उसके लिए दवाइयाँ चाहिए और भी सब्जियाँ चाहिए और भी रोजमर्रा की चीज़ें होती हैं सारी चाहिए होती हैं, और सरकार समझती है कि लोगों के पास इस टाइम कुछ नहीं है, और सरकार शायद समझ रही है कि अगर सरकार राशन लोगों को ये 5 किलो या 1 किलो चना दे रही है, इसमें सरकार को भी साफ शब्दों में पता है कि लोगों के पास खाने के लिए राशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार 7 सालों में लोगों को रोजगार देने में विफल रही है।